दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे एनोनिमस बने रहना चाहते हैं या अपने आइडेंटिटी को छुपा कर, अपने आप को छुपा कर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं या फिर ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप प्रॉक्सी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी वेबसाइट क्या होते हैं, अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम धाकड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम टेक टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सी वेबसाइट की, फिर बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर की और प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी वेबसाइट एक इंटरमीडिएट का काम करती है इन यूज़र और अपने इंटरनेट के बीच में। अपन कुछ भी चीज़ एक्सेस करते हैं प्रॉक्सी वेबसाइट के थ्रू, तो अपनी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी प्रॉक्सी वेबसाइट के पास। वो अपने आईपी को, रियल आईपी को हाइड कर देगी, छुपा देगी, जिससे कि अपनी पहचान छुपी रहेगी। और वो दूसरा आईपी, किसी भी कंट्री का वो आईपी हो सकता है, वो दूसरा आईपी यूज़ करके अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाएगी, इंटरनेट तक पहुंचाएगी। और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, पहले आएगा प्रॉक्सी वेबसाइट के पास और प्रॉक्सी वेबसाइट फिर अपने तक वो उसको डिलीवर करेगी। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, मान लो कोई वेबसाइट बार बार एक्सेस करना, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई पता ना कर पाए कि मैं ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो आप प्रॉक्सी वेबसाइट यूज़ कर लीजिए, ताकि आपकी आइडेंटिटी वहाँ छुपी रहेगी, आपका आईपी छुपा रहेगा। प्रॉक्सी वेबसाइट अपना अलग से आईपी यूज़ करता है, वो किसी भी कंट्री का आईपी हो सकता है, तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ छुपी रहेगी। इसके बाद क्या होता है, बहुत सी बार आप देखते हैं ना कि आप कोई मान कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ब्लॉक रहती है। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उसको ब्लॉक कर दिया, ताकि ये अननेसेसरी उनका टाइम ना जाए इसमें। तो आप अगर चाहते हैं इमरजेंसी में कोई वेबसाइट यूज़ करना जो ब्लॉक हैं, तो आप प्रॉक्सी वेबसाइट के थ्रू से एक्सेस करेंगे, तो वो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, भले ही वो आपके वहाँ पे ब्लॉक हो। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ISP या गवर्नमेंट पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है किसी कंट्री में, किसी रीजन से, और आप चाहते हो कोई लीगली तरीके से उसे एक्सेस कर जाता है, कुछ एक्सेस करना है, कुछ इलीगल नहीं करना है आपको, लेकिन इमरजेंसी में आपको मान लो कोई चीज़ एक्सेस करना है जो कि ब्लॉक आ रही है, अपने ISP ने या ब्लॉक कर दिया, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आए तो ISP ने ब्लॉक कर दिया, तो आप प्रॉक्सी वेबसाइट की तरह उसे प्रॉक्सी वेबसाइट यूज़ करें करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं भी मैंने बताया कि आपको कि प्रॉक्सी वेबसाइट अपना आईपी यूज़ नहीं करती, वो अलग अलग कंट्री का आईपी यूज़ करती है। तो वो अपने इंडिया में ब्लॉक है मान लो, तो आप ऑस्ट्रेलिया का आईपी आपको प्रॉक्सी वेबसाइट दे रही है, तो वहाँ पे तो ये वेबसाइट ब्लॉक है नहीं, तो आप उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि ISP के थ्रू ब्लॉक हो। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, आप ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल एक्टिविटी करें। अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो पकड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी की एक ही लेयर है, प्रॉक्सी की वो लेयर हटा दी या किसी ने वो हैक कर दिया, तो उसके पीछे आप हैं और इजीली पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए आप इलीगल एक्टिविटी ना करें, अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप सर्च कर सकते हैं, ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते ना कि मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, तो एक ही लेयर है, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ, नहीं मेरे को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मेरे को पहचान नहीं पाए इंटरनेट में, ढूंढ नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा सिक्योर तरीके से यूज़ करना है आपको इंटरनेट, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, तो आप टोर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। टोर ब्राउज़र क्या होता है, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो देख ले, तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, आपकी आइडेंटिटी वहाँ पर छुपी अच्छे तरीके से रह सकती है प्रॉक्सी के बजाय। चलो अब बात करते हैं कि प्रॉक्सी वेबसाइट को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपको गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में टाइप करना है प्रॉक्सी वेबसाइट, आपको बहुत सारी प्रॉक्सी वेबसाइट मिल जाएगी, कुछ पेड होती हैं, आप फ्री प्रॉक्सी वेबसाइट लिखना तो बहुत सारी फ्री प्रॉक्सी वेबसाइट भी मिल जाएगी। आपको उन प्रॉक्सी वेबसाइट पे विजिट करना है, फिर वहाँ से आप कुछ भी सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो आपका आईडी, आपका जो ओरिजिनल आईपी है वो हाइड रहेगा, दूसरा आईपी जाएगा सामने, ताकि आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से छुपी रहे, और यहीं से आप ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस करेंगे तो अनब्लॉक मिलेगी, आपको उसको एक्सेस कर पाएंगे। कुछ प्रॉक्सी क्या होते हैं, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपको बार बार प्रॉक्सी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े, आप सिर्फ आईपी आपके ब्राउजर की प्रॉक्सी सेटिंग में एंटर कर दीजिए वहाँ पे, तो आप जब भी कुछ सर्च करेंगे तो उस प्रॉक्सी के थ्रू ही जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉक्सी वेबसाइट पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो उन आईपी को अगर आपके ब्राउजर में कॉन्फ़िगर करना है, तो आप गूगल पे सर्च कर लो कि प्रॉक्सी सेटिंग कैसे करती, तो आपको इजीली मिल जाएगा। क्रोम, फायरफॉक्स, सभी का थोड़ा अलग रहता है कि प्रॉक्सी सेटिंग कैसे करते हैं, तो वो आईपी आप अपनी प्रॉक्सी सेटिंग में भी करोगे तो भी आप फ्री प्रॉक्सी यूज़ कर पाएंगे वहाँ पे, और आप ब्लॉक वेबसाइट को अनब्लॉक कर पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की।
प्रोक्सी या प्रोक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एंड यूजर और इंटरनेट के बीच में। अगर आपके नेटवर्क ये सेपरेट कंप्यूटर भी हो सकता है, वह किसी भी कंप्यूटर में आप प्रोक्सी सर्वर एप्लीकेशन या प्रोक्सी सॉफ्टवेयर यूज करके उसको प्रोक्सी सर्वर बना सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में प्रोक्सी सर्वर है तो आप कुछ भी सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी आपके प्रोक्सी सर्वर के पास और वो फिर आगे फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट पर। जब रिप्लाई आता है इंटरनेट से तो पहले प्रोक्सी सर्वर को आएगा और फिर वो आगे पास करेगा। इसमें क्या होता है, उस प्रोक्सी सर्वर का आईपी आपके जितने भी कंप्यूटर हैं आपके नेटवर्क में उनके ब्राउजर में कन्फिगर कर देते हैं। फिर जब भी वो रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर के पास जाती है और फिर इंटरनेट पर जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ कंपनियाँ होती हैं ऐसी, या फिर आप कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इसमें प्रोक्सी सर्वर जो यूज़ करते हैं वो नेटवर्क मॉनिटर करने के लिए होता है। कौन सा यूज़र क्या एक्सेस कर रहा है देख सकते हैं, कोई वेबसाइट ब्लॉक करना है तो इसके थ्रू वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ वीडियो डाउनलोड करने पे रेस्ट्रिक्शन लगाना तो वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रोक्सी सर्वर के थ्रू की जा सकती है। वहीं पे अगर नॉर्मल एक यूज़र है वो प्रोक्सी इसलिए यूज़ कर सकता है घर पे कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, एनोनिमस बन के इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट पे आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। तो घर पे जो प्रॉक्सी यूज़ करता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई इंडिविजुअल बंदा यूज़ करता है, जैसे मैंने बताया कि आप प्रॉक्सी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो उसके लिए, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉक्सी सर्वर और ये यूज़ हो रहा है तो इस पर्पज़ से होता है ताकि वहाँ के एम्प्लॉइज पर नज़र रखी जा सके कौन क्या एक्सेस कर रहा है और क्या रेस्ट्रिक्शन लगाना है अपने को, इसके थ्रू वो लगा सकते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, आगे प्रॉक्सी के अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन आपको इतना एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़र है उसको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, उसे इतना पता होना चाहिए कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है, कैसे काम करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।